नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं वायु राशियाँ। वायु राशियों के अंतर्गत ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने वायु राशि की जो परिभाषा होती है उनके बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वायु राशियों की विशेषताएँ। वायु राशियों की विशेषताएं, जैसा कि हम जानते हैं कि वायु राशि वायुमंडल का वह विस्तृत और घना भाग होता है जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर और क्षैतिज स्तर पर तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। यानी विस्तृत वायुपुंज जिसमें पाई जाती है, तो एक ऐसा विस्तृत वायुपुंज होता है या वायुमंडल का वह विस्तृत एवं घना भाग होता है जिसमें क्या है, विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान एवं आर्द्रता की समानताएं हैं, वो लगभग समानताएं उसमें पाई जाती हैं। पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जा सकती, उसमें क्या है, लगभग समानता है वो देखने को मिलती है। तो इसमें कौन से स्तर पर माना गया है, लंबाई लंबवत एवं क्षैतिज स्तर पर समानता का जिक्र इसमें किया गया है, यानी लंबत रूप में और क्षैतिज रूप में इसमें समानता पाई जाती है। अब वायु राशियों के आविर्भाव है वो किस प्रकार से होता है, कि वायु राशि है उसकी उत्पत्ति तब होगी जब एक क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसमी परिस्थितियां हैं वो समान रहें। यानी वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी जो दशाएँ हैं अपेक्षित समय तक या लंबे समय तक हैं वो समान रहें, जिससे क्या है, वायु में धरातल की आर्द्रता और तापमान संबंधी जो विशेषताएं होती हैं वो समाहित हो जाती हैं। तो वायु राशि की उत्पत्ति के लिए समतल सतह या केवल सतह भी हम कह सकते हैं, तो विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी जो दशाएं हैं, समतल सतह पर वायुमंडल संबंधी दशाएं अपेक्षित समय तक समान या स्थिर रहनी चाहिए, जिससे वायु उस क्षेत्र की तापमान एवं आर्द्रता संबंधी दशाओं को आत्मसात कर ले। यानी ये सबसे प्रमुख बात है कि अगर वायु राशि की उत्पत्ति किस प्रकार होगी, कि धरातल की जो विस्तृत समतल सतह है, उत्पत्ति के लिए विस्तृत समतल सतह पर वायुमंडल संबंधी दशाएं जो हैं या मौसम संबंधी दशाएं जो हैं अपेक्षित समय तक, यानी लंबे समय तक जितने में वायु राशि की उत्पत्ति हो सके इतने समय तक समान या स्थिर रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, जिससे वायु
जो है वो उस क्षेत्र की जो तापमान एवं आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं होती हैं, जो दशाएं होती हैं, उनको क्या कर लेती है, वो ग्रहण कर लेती है, आत्मसात कर लेती है। उससे फिर क्या होता है, वायु राशि की उत्पत्ति होती है। तो ये वायु राशि के लिए उत्पत्ति के लिए हमें किसी क्षेत्र विशेष पर एक स्थिर वायुमंडलीय दशा की आवश्यकता होती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद अगर हम देखें तो वायु राशियां हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं। उत्पन्न होने के बाद वायु राशियां स्थिर नहीं रहती, होने के बाद अब उत्पन्न होने के बाद वायु राशि है वो स्थिर नहीं रहती, तो वो क्या करती है, वह आगे बढ़ती है। आगे बढ़ेगी तो अन्य क्षेत्र में जाएगी और अन्य क्षेत्र की जो तापीय दशाएं हैं उसको वो क्या करेगी, प्रभावित करेगी। यानी जिन जिन क्षेत्रों से वह वायु राशि गुजरेगी उस क्षेत्र के तापमान एवं आर्द्रता संबंधी जो दशाएं हैं उनको वो क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो आगे बढ़ेगी तो वह आने वाले रास्ते में आने वाले जो क्षेत्र हैं या वायु राशियों के संपर्क में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करेंगी और उसकी तापमान एवं आर्द्रता संबंधी जो दशाएं हैं उनमें सुधार करेंगी, उनमें परिमार्जन करेंगी और उनको अपने अनुकूल लाने का वो प्रयास करेंगी। मान लीजिए कोई उष्ण वायु राशि है और रास्ते में आने वाले जो क्षेत्रों से जाएगी तो वो क्या करेगी, उन क्षेत्रों की जो वायु राशि है उसको या उसके वायुमंडल को उष्ण करने का प्रयास करेगी, उसको उसमें परिमार्जन वो करेगी। अब इस प्रक्रिया के दौरान जैसा कि हम जानते हैं, अब जैसे क्षेत्र की वायु राशियां जलवायु को प्रभावित करेंगी तो वायु राशियां समय में भी प्रभावित होंगी। तो आगे बढ़ते हुए या ये क्या करती हैं, मार्ग में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनके जो वायु मंडलीय दशाएं हैं उनमें क्या करती हैं, परिमार्जन करती हैं तथा ये भी ये स्वयं भी प्रभावित होती हैं तथा प्रभावित होती हैं। यानी क्षेत्र को तो प्रभावित करती करती हैं, इसके साथ में ये स्वयं भी प्रभावित होती हैं। अब स्वयं प्रभावित होंगी तो क्या इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये अधिक विस्तृत होने के कारण इनमें परिवर्तन है वो मंद गति से संपादित होता है क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती हैं, प्रभावित होती हैं परंतु अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इनमें परिवर्तन मंद गति से होता है। तो तीव्र गति अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण ये पुनः स्वयं परिवर्तित नहीं होती हैं, उस क्षेत्र की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको ये प्रभावित कर देती हैं, उनको परिमार्जित कर देती हैं, लेकिन स्वयं में इनमें ज़्यादा अंतर है वो नहीं होता क्योंकि ये बहुत विस्तृत होती हैं, विस्तृत होने के कारण में इन जो परिवर्तन है वो मंद गति से संपादित होता है। अब यही कारण होता है कि इन वायु राशियों की जो भविष्यवाणी है वो करना सरल हो जाता है इसी कारण, क्योंकि ये जिन क्षेत्र से गुजरेगी उसका क्षेत्र है वायु राशि के अनुसार ही होगा। इसी कारण क्या है, इसी कारण वायु राशियों की भविष्यवाणी करना सरल होता है क्योंकि जिस विस्तृत क्षेत्र से ये गुजरेंगी उसके तापमान में ये परिमार्जन कर देंगी और इनमें ज़्यादा खुद में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको क्या है, इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने के कारण इनकी भविष्यवाणी है वो आसानी से की जा सकती है। तो इन सभी बातों से इसकी दो विशेषताएं निकल करके सामने आती हैं जो कि किसी भी क्षेत्र या इनके मार्ग में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन वो लाती हैं, यानी उनके जलवायु संबंधी परिवर्तन उनमें ला देती हैं। यानी वायु राशि की दो मूलभूत विशेषताएं निकल के आती हैं जो प्रभावित क्षेत्रों के मौसम के संबंधी जो दशाएं जो होती हैं उनको ये नियंत्रित करती हैं। तो इसमें एक तो होता है वायु राशि में तापमान का लंबवत वितरण, वायु राशि में तापमान का किस प्रकार से वितरण पाया जाता है, एक तो नंबर एक आता है
वायु राशि में तापमान का लंबवत वितरण, ये तो पहला वर्ग हो गया। दूसरा है वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा। ये जो दोनों चीजें हैं यही इनके मार्ग में जो क्षेत्र आते हैं या जिन क्षेत्रों से वायु राशियां आगे जाती हैं उनको प्रभावित ये करती हैं। अब जैसे वायु राशि में लंबवत तापमान की वितरण की जो प्रवृत्ति है उसी के आधार पर वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता का ज्ञान इससे हो जाता है। लंबवत वितरण के आधार पर यानी वायु राशि में तापमान का जो लंबवत वितरण है उसमें अगर परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो वायुमंडल वायु राशि क्या हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। अगर परिवर्तन कम है तो वो क्या होगी, स्थिर। इससे वायु राशि की स्थिरता एवं ज्ञान होता है। तो वायु राशि में जो तापमान का लंबवत वितरण पाया जाता है उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि वायु राशि कैसी है, स्थिर रहेगी या अस्थिर रहेगी। दूसरा, अगर हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता से हमें वायु राशि की जो प्रकृति है उसका कैसे पता चलेगा कि वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा के आधार पर ही हम संघनन का स्वरूप, गहनता, यानी आर्द्रता के ऊपर संघनन निर्भर करता है, उसकी गहनता निर्भर करती है, और इसी आधार पर यह निश्चित कर सकेंगे कि मौसम आर्द्र होगा, अर्ध आर्द्र होगा या शुष्क होगा। यानी वायु राशि जो किसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है उसके आगमन से क्षेत्र विशेष में क्या परिवर्तन होंगे, यानी इस पर आर्द्रता पर क्या निर्भर करता है, संघनन और इसकी गहनता। इससे हम क्या कर सकते हैं, मौसम के पूर्वानुमान की हम बात करें तो मौसम कैसा होगा, आर्द्र या अर्ध आर्द्र या शुष्क, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। तो ये दो विशेषताएं इसकी निकल के आती हैं जिसके आधार पर ये क्षेत्र विशेष को कितना प्रभावित कर सकती हैं, इनसे क्या प्रभाव उस क्षेत्र के ऊपर होगा वो हम देख सकते हैं। अब वायु राशि का जलवायु संबंधी सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह अपने उत्पत्ति स्थान से अन्य क्षेत्रों में संचलन के द्वारा क्या करती है, वायुमंडल में ऊर्जा का संचरण इसके द्वारा किया जाता है। सबसे कार्य मुख्य क्या होता है, मुख्य कार्य अपने उद्गम क्षेत्र से, यानी जहां से प्रारंभ होती है, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, उद्गम क्षेत्र से अपने विसरण क्षेत्र या जो प्रभावित क्षेत्र है, क्षेत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है वायु राशि। यानी जहां से ये प्रारंभ होती है उससे लेकर के जिस क्षेत्र में ये चलती है, यानी जिस क्षेत्रों में ये संचलन इसका होता है, तो वहाँ तक ये वायुमंडल में क्या करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। अब इसी के आधार किसी भी वायु राशि का जो तापीय दशा है उसका निर्धारण किया जाता है तापमान के आधार पर। यानी वायु राशि का तापमान किस प्रकार का है वह निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तापमान की, यानी तापीय दशा है वो तापमान के आधार पर निर्धारित होगी वायु राशि की। और वायु राशि की तापीय दशा का निर्धारण किया जाता है जिस स्थान से वह प्रवाहित हो रही है उसके सतह के तापमान के आधार पर। वायु राशि के तापमान वायु राशि के
तापमान का निर्धारण क्षेत्र की सतह के तापमान के आधार पर किया जाता है। यानी जिस क्षेत्र से वह प्रवाहित होती है उस क्षेत्र के सतह का जो तापमान है उसके आधार पर वायु राशि के तापमान का निर्धारण किया जाता है। यानी वायु राशि के तापमान का निर्धारण जिस सतह के ऊपर से वह गतिशील होती है, क्षेत्र की सतह का मतलब क्षेत्र जहां से वायु राशि गतिशील है, तो उसके सतह के तापमान के आधार पर हम क्या करते हैं, वायु राशि का निर्धारण करते हैं। अब इसका निर्धारण किस प्रकार होगा, यदि किसी वायु राशि को हम कहें कि ये वायु राशि क्या है, ठंडी है, तो हमें धरातलीय सतह का तापमान देखना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि यह वायु राशि गर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र की धरातलीय सतह जो है उसका तापमान देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमें निर्धारण करना है ठंडी वायु राशि, ठंडी वायु राशि क्या होगी, जिसका तापमान धरातलीय सतह, कौन सी धरातलीय सतह, जहां से वायु राशि गतिशील हो रही है, जिसका तापमान धरातलीय सतह से कम हो। यानी जिस धरातलीय सतह पर वह वायु राशि गतिशील है उस धरातलीय सतह से अगर उसका तापमान कम है वायु राशि का, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ठंडी वायु राशि। तो ये होगी ठंडी वायु राशि। दूसरी हम देखें गर्म वायु राशि का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो गर्म वायु राशि है वह कौन सी होगी, गर्म वायु राशि। अब गर्म वायु राशि कौन सी होगी, जिसका तापमान सतह से अधिक हो, यानी ऐसी वायु राशि जो गतिशील सतह से अधिक तापमान रखती है वह क्या कहलाती है, गर्म वायु राशि कहलाती है। तो इस प्रकार ठंडी वायु राशि कौन सी होती है, वह वायु राशि जिसका तापमान उसके नीचे की धरातलीय सतह के तापमान से क्या होता है, कम होता है, वह क्या कहलाती है, ठंडी वायु राशि कहलाती है। और जिस वायु राशि जो गर्म वायु राशि होती है उसका तापमान नीचे की सतह के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। यानी सतह के तापमान से अधिक तापमान गर्म वायु राशि, सतह के तापमान से कम तापमान तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी वायु राशि होगी। इस प्रकार से वायु राशियों के तापमान का निर्धारण किया जाता है। तो ये वायु राशियों की विशेषताएं होगी। अब देखते हैं वायु राशियों के शोष यानी उत्पत्ति क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में वायु राशियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो उत्पत्ति क्षेत्र, और उत्पत्ति क्षेत्र में यानी जहां पर वायु राशियों का उद्गम होता है, जहां से वायु राशियां उत्पन्न होती हैं, उद्भव उनका होता है, आविर्भाव उनका होता है, वो क्या कहलाते हैं, वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र इनके वायु राशियों के कहलाते हैं, या उत्पत्ति क्षेत्र उनको कहा जाता है। यानी जहां से वायु राशियां प्रारंभ होती हैं, जहां से वायु राशि का उद्भव हो रहा है, उत्पन्न जो हो रही है, उसको वायु राशि का उत्पत्ति या उसका उद्भव क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें कुछ आदर्श दशाएं होती हैं, यानी आदर्श उत्पत्ति के लिए कुछ निश्चित दशाएं आवश्यक होती हैं। तो कौन कौन सी आदर्श दशाएं होती हैं उनके बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद उसके उत्पत्ति क्षेत्र देखेंगे। तो
आदर्श दशाएं। नंबर एक, जैसा हमने इनकी परिभाषाओं में पढ़ा उसके जैसे कुछ बातें हैं कि विस्तृत किंतु समान गुणों वाला क्षेत्र होना चाहिए, यानी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें विस्तृत हो लेकिन समान गुण होने चाहिए, विस्तृत एवं समान गुणों वाला क्षेत्र होना चाहिए। विस्तृत क्षेत्र हो लेकिन उसके गुण है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसके अलावा उस क्षेत्र में विशेषता हम करें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समानताएं कब रह सकती है, यानी उत्पत्ति क्षेत्र क्या होना चाहिए, या तो पूर्णतः स्थलीय होना चाहिए या पूर्णतः जलीय होना चाहिए, समान गुणों वाला, या तो पूर्णतः जलीय क्षेत्र होना चाहिए या पूर्णतः स्थलीय क्षेत्र होना चाहिए। इससे क्या होगा, ताकि तापमान एवं आर्द्रता में समानता बनी रहे, क्योंकि तापमान एवं आर्द्रता में अगर समानता नहीं होगी तो वायु राशि का निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। तो पहली इसके लिए आदर्श दशा क्या होती है कि क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए लेकिन समान गुणों वाला होना चाहिए, उत्पत्ति क्षेत्र या तो स्थलीय भाग हो या पूर्णतः सागरीय भाग हो, क्योंकि अगर कोई भाग स्थल एवं जल दोनों से युक्त है तो उसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं हैं वो समान नहीं हो सकती, क्योंकि स्थलीय भाग में आर्द्रता कम होगी जलीय भाग में आर्द्रता अधिक होगी। स्थलीय भाग का तापमान क्या हो जाएगा, सूर्य जैसे उदय हुआ स्थलीय भाग का तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वह जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है और जल की प्रकृति धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्म होने की है। तो इसके कारण अगर जलीय एवं स्थलीय भाग एक साथ हैं तो उनमें वायु राशि उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशा नहीं है। इसलिए आदर्श दशा क्या है, क्षेत्र या तो पूर्णतः स्थलीय हो या क्षेत्र पूर्णतः जलीय हो, ताकि उसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समानताएं हैं वो मिल सकें। तो ये तो होगी पहली आदर्श दशा। अब दूसरी की हम बात करें, दूसरी आदर्श दशा ये है कि वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए। नंबर दो, वायु का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, अभिसरण नहीं होना चाहिए, यानी हवाएं हैं वो चारों तरफ से आकर के नहीं मिलनी चाहिए, उससे क्या होगा चक्रवातीय दशा उससे उत्पन्न हो जाएगी, यानी प्रति चक्रवातीय दशा उत्पन्न होनी चाहिए वायु राशि के लिए, यानी अपसरण होना चाहिए वायु का, अपसरण होना चाहिए यानी डाइवर्जेंस हो सकता है लेकिन कन्वर्जेंस है वो नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर क्या है वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए। यदि वायु में क्षैतिज गति हो तो वह किस प्रकार की होनी चाहिए, अपसरण प्रकार की गति होनी चाहिए, यानी वायु अगर क्षैतिज चल रही है तो अपसरण हो सकता है, अभिसरण होगा तो वायु राशि है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली विभिन्न प्रकार की वायु राशियों का या हवाओं का यहाँ पर क्या होगा सम्मिलन होगा, जिसके कारण क्या है वायु राशि के लिए उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशा नहीं बन पाएगी। तीसरी अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो लंबे समय तक क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। लंबे समय तक अगर वायुमंडलीय दशाएं स्थिर नहीं रहेंगी तो उससे क्या होगा वायु राशि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो तीसरी बात है वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक
स्थिर होनी चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं हैं वो लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए ताकि वायु राशि स्थलीय भाग की आर्द्रता एवं तापमान संबंधी जो विशेषताएं हैं, जो उसकी विशेषताएं तापमान एवं आर्द्रता संबंधी है, उनको क्या कर ले, वो आत्मसात कर ले यानी ग्रहण कर ले। तो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो लंबे समय तक क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, जिससे वायु धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके, उनको ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से ये तीन वायु राशियों की उत्पत्ति संबंधी तीन आदर्श स्थितियां बनती हैं। अब इन तीन आदर्श स्थितियों के बाद में जो आदर्श तीन स्थितियां हमने पढ़ी, उससे कुछ जो भूपटल पर वायु राशियों के कुछ आदर्श क्षेत्रों का निर्माण होता है, जहाँ पर ये तीनों प्रकार की जो हमने आदर्श स्थितियां पढ़ी हैं वो पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।